नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि पोषण ट्रैकर में कुछ एक मिस्टेक्स कमिट करती हैं, गलतियां करती हैं, जो गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसमें जो मेन देखने को आया है, जैसे ही हम एक्शन सेंटर में जाते हैं तो सबसे लास्ट में है माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल्स। जैसे हम यहाँ चेक करते हैं तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में जैसे तीन बेनिफिशरीज हैं, जो बहुत सारे बेनिफिशरीज जो जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने माइग्रेट आउट किए हैं, लेकिन लास्ट वाले तीन बेनिफिशरीज जैसे हैं, एक है जामिया कोसर, फिर है जामिया नाज, फिर दोबारा से जामिया नाज। तो इसमें देखने में आया है कि जैसे कोई जे एक्चुअल में तीन बेनिफिशरी नहीं है, जे एक ही बेनिफिशरी है और इस बेनिफिशरी की जो उम्र है वो 8 महीने है। जैसे ही आंगनवाड़ी वर्कर ने उस बच्चे को इनरोल किया, जैसे ही डिलीवरी होती है उसको हम प्रेग्नेंट को माइग्रेट करते हैं लैक्टेटिंग में, उसके साथ साथ बच्चे को इनरोल कर देते हैं। उनके पेरेंट्स ने बोला कि हमने अपनी बच्ची का नाम रखा है जामिया कोसर, तो उन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनने नाम लिख दिया जामिया कोसर। थोड़ी देर के बाद, 3-4 महीने के बाद पेरेंट्स आ जाते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के पास, वो बोलते हैं ना जी, हमारे बच्चे का नाम जामिया कोसर नहीं है, हमने नेम चेंज कर दिया है, वो जामिया नाज है। तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती हैं, दोबारा से इनरोलमेंट में जाती हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाती हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके उसको दोबारा से इनरोल कर देती हैं। दो बात, तीसरी बार क्या हुआ कि वो जब इनरोल कर दिया तो एक्चुअली उसका वेट करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो बच्चा है वो जो बेनिफिशरीज में आ जाता है, जहाँ जो भी न्यू बेनिफिशरी इनरोल कर रहे हैं वो बेनिफिशरी लिस्ट में आ जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर वो पेशेंट नहीं, जो पेशेंट्स हैं वो शो नहीं करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि देखती हैं कि हाँ जी, ये बच्चा तो बेनिफिशरी लिस्ट में नहीं आया है, तो वो क्या करती हैं कि दोबारा से री इनरोलमेंट कर लेती हैं। इस प्रकार उस वो एक ही बेनिफिशरी होता है तो मल्टीपल जगह पर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, दैट मीन उसकी जो डुप्लीकेट नेम्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करती है, उसको सिंपली वो जाती है बेनिफिशरी पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे देखेंगे बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे, वो सिंपली क्या करती है कि बेनिफिशरी पे जहाँ आगे तीन डॉट हैं जहाँ क्लिक करेगी और लास्ट में माइग्रेट आउट है, वो माइग्रेट आउट कर देगी, जो कि ये मेथड गलत है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने क्या करना है कि जैसे 0 to 6 month चाइल्ड है, जे है आजिया गुलजार है, जहाँ दूसरा है दिव्या ठाकुर। फॉर एग्जांपल दिव्या ठाकुर का नाम चेंज हो जाता है, उसके पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम, जो आंगनवाड़ी वर्कर को बोलते हैं, हमने बच्चे का नाम चेंज कर दिया है, हमने दिव्या ठाकुर नहीं रखा है, हमने और कोई नाम रख दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिव्या राजपूत रख दिया है। तो उस केस में आपने कहना है कोई इशू नहीं है, हम इसको चेंज कर देंगे, आप ऐसा कीजिएगा, आप बेनिफिशरी का आधार बना दीजिए, बच्चे का आधार बना दीजिए। तो आपने तब तक चेंज नहीं करना है, जैसे ही बच्चे का न्यू आधार बनेगा, आपने जैसे दिव्या ठाकुर जी पीछे जो आपको जो गोलधारा मिल रहा है, जो सर्कल मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जहाँ पे दिव्या ठाकुर है, फिर उसका मोबाइल नंबर आएगा पेरेंट्स का, फिर उसके बाद आधार नंबर, जहाँ पे मदर का आधार है, जहाँ नीचे शो कर रहा है कि जी मदर का आधार है, आपने क्या करना है कि ऐड चाइल्ड आधार पे चले जाना है, जहाँ चाइल्ड जो बच्चा है उसका आधार नंबर लिखना है, फिर आप जो नाम लिखेंगे, बेनिफिशियरी नेम विल बी अपडेटेड इन प्रोफाइल, जी जो नाम लिखेंगे जी, आपने जो एक्चुअल नाम रखा होगा, क्योंकि जो आधार वाला नाम होगा वो चेंज पेरेंट्स नहीं करते हैं, जो पहले आधार बनाने से पहले नेम जो है वो चेंज करते हैं। तो आपने क्या करना है, उसी आधार पे, जब आधार पे जो नाम होगा वही बच्चे का नाम जहाँ पे लिख देना और देख के लिखना है, और आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिख देनी है, उसके बाद जेंडर को क्लिक करना है और वेरीफाई आधार पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो बेनिफिशरी है उसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि जो आधार का है, जब आप पहले मदर का आधार था, जब पहले फादर का आधार था, उसके बाद जैसे ही चाइल्ड का आधार डालेंगे उसका नाम दोबारा से डालेंगे, और वहाँ पे आपने वो नाम डालना है जो बच्चे का आधार में नाम होगा। दैट मीन्स अगर कोई नेम, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेम पेरेंट चेंज भी करता है तो आपने नंबर एक बच्चे का नाम पोषण ट्रैकर में चेंज नहीं करना है, उन्हें कहना
आधार, जब आप आधार लाएंगे उस समय हम चेंज कर देंगे, आपके बच्चे का वही नाम होगा जो आप रखेंगे जो आधार पे लिखा होगा। नंबर दो, आप जब भी बच्चे का इनरोलमेंट करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने क्या करना है कि जो बच्चे का जब आप न्यू रजिस्टर कर देते हैं उस समय वेट करना है, 24 आवर तक वेट करना है। फिर आप 24 आवर के बाद आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि जहाँ पे उस प्रोफाइल में बच्चे का नाम है या नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हड़बड़ाहट में कोई भी बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट ऐसे नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।